हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं MySQL SQL रिवीजन 2। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कमांड्स, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट, इन तीन का डिस्कस करेंगे आज। इंसर्ट कमांड क्या होता है? जो भी हम टेबल क्रिएट करते हैं, जो टेबल हमने क्रिएट की है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे आईडी, नेम और एड्रेस दिया, ये टेबल हमने क्रिएट की। अब इसके अंदर जो डेटा इंसर्ट कराना है वो हम लोग इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इंसर्ट इनटू जो टेबल है, जैसे मान लो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है, कौन सी टेबल है ये, स्टूडेंट। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज देंगे, यहाँ पे देंगे ये आईडी है, आईडी हमने जैसे दिया 101, नेम दे दिया जैसे आकाश दे दिया, एड्रेस दे दिया मैन, स्टेप्स हम क्रिएट कर लेंगे। ऐसे हमें बार बार से रिपीट करना पड़ेगा इसको। वैल्यूज 102 रोहित कानपुर दे दिया, इसी टाइप से हम देखेंगे इसको। ठीक है, ऐसी पांच एंट्री हम इसमें कर लेंगे। जैसे हम दे दिया यहाँ पे 101 आकाश, 103 102 रोहित कानपुर, 103 नेहा आगरा, 104 अतुल दिल्ली। चार हमने एंट्री कर दी यहाँ पे, चार एंट्री की, और एंट्री कैसे करेंगे, इसी टाइप से करेंगे। ठीक है, इस टाइप से हम एंट्री करेंगे। तो ये होगी हमारी इंसर्ट कमांड, ये इंसर्ट कमांड होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपडेट कमांड, हम इसका यूज करेंगे। अपडेट अपडेट कमांड क्या वर्क करेगा? जो भी हमारा डेटा है यहाँ पे, जो भी डेटा है इसको अपडेट करने के लिए हम लोग अपडेट कमांड का यूज करते हैं। अपडेट कमांड का यूज करते हैं, जैसे मान लो हमारा यहाँ पे ये रोहित है, इसकी जगह मुझे करना था राकेश, रोहित की जगह राकेश करना है, तुम लोग क्या लिखेंगे, अपडेट जो भी हमारी टेबल है, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, यहाँ एंटर प्रेस करेंगे, लिखेंगे सेट क्या नेम, क्या होगा कॉलम नेम होगा, यहाँ क्या होगा कॉलम नेम, कॉल जो भी है रमेश राकेश, फिर एंटर प्रेस करेंगे, लेकिन कहाँ बताना है, वेयर क्लॉज का यूज करेंगे, वेयर मैं से आई डी दीजिए, आई डी 102, ये हम यहाँ पे करेंगे। जब इसको आप रन कराएंगे तो यहाँ पे दोबारा से आप टेबल का डेटा शो कराएंगे तो यहाँ पे रोज जगह राजेश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम किसी में भी कर सकते हैं, आई डी भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, सुनवाए चीज़, नेम में भी हमने चेंज करके दिखाया आपको। तो इस टाइप से हम अपडेट कमांड का यूज करेंगे। अगर मान लो हमें ये एड्रेस में पूरे सभी में मैनपुरी देना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर हमने सभी इन सभी में क्या लिखना है, मैनपुरी ही देना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अपडेट स्टूडेंट
एंटर प्रेस किया, सेट एड्रेस को क्या लिखा मेन, बस इतना देना आपको दो लाइन का। इससे आपका डेट यहाँ पे सभी में क्या जाएगा, मैन प्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैन प्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अपडेट कमांड, सभी समय आ गया होगा। इसका देखें डिलीट, जो वो डिलीट कमांड होता है वो क्या करेगा, पर्टिकुलर रो डिलीट करेगा, क्या डिलीट करेगा रो, ये रो डिलीट करता है, केवल जो डेटा होता है हमारा वो डिलीट होगा, और किस किसके फॉर्मेट में, एक रो के फॉर्मेट में डिलीट होगा। जैसे मान लो हमें 104 की रो पूरी डिलीट करनी है, हम लोग क्या लिखेंगे, डिलीट कमांड का यूज करेंगे, डिलीट, डिलीट के बाद क्या लिखेंगे, जो भी टेबल नेम हमारी, जो भी क्या है टेबल नेम है, क्या लिखा हमने, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, एंटर प्रेस किया, कौन सी वो लिखनी है मुझे, यहाँ पे वहां पे लिखनी है यर आईडी इक्वल टू 104, बस इतना लिखना है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 104। ये तो ये रो आपकी, ये रो है आपकी डिलीट हो जाएगी। ऐसे हम कोई भी रो डिलीट कर सकते हैं, ये टेबल डिलीट नहीं करेगा, केवल डेटा डिलीट करेगा, डिलीट ओनली ओनली डेटा, क्या डिलीट करेगा, डेटा डिलीट करेगा, टेबल डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तीन कमांड्स आपकी हो गई। अब इसके बाद देखिए अल्टर कमांड, अल्टर कमांड से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अल्टर कमांड से हम लोग ऐड कॉलम कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कॉलम, चेंज एग्जिस्टिंग कॉलम, चेंज कॉलम नेम, चेंज कर सकते हैं कॉलम नेम को, चेंज कर, जो पहले से है उसको चेंज भी कर सकते हैं। तीसरा है यहाँ पे, इसमें जो कॉन्स्टेंट भी लगा सकते हैं, इसका क्या लगा सकते हैं, कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं, या रीडिफाइन कर सकते हैं, क्या सकते हैं, रीडिफाइन, रीडिफाइन का मतलब है, रीडिफाइन का मतलब है जैसे कॉलम हमारा वही है लेकिन उसका टाइप चेंज करना चाहते हैं, पहले हमारा फ्लॉट में था अब मुझे इंटीजर करना है, या फिर पहले इंटीजर में था फ्लॉट फ्लॉट करना, उसका साइज बढ़ाना है हमें, तो हम रीडिफाइन भी कर सकते हैं। तो कॉलम को ऐड, जैसे मुझे एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करना है, एक कॉलम अलग से मुझे ऐड करना है यहाँ पे, मान लो ऐड करना है यहाँ पे पिन नंबर करना, पिन का करना, पिन कोड जो होता है वो करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉलम ऐड करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट, एंटर प्रेस करेंगे, ऐड क्या लिखेंगे, ऐड लिखेंगे, ऐड लिखने के बाद कॉलम, ऐड लिखने के बाद क्या लिखेंगे, कॉलम, कॉलम के बाद क्या है पिन, पिन के बाद हम लेंगे इंट, ब्रैकेट में जैसे दिया हमने 5, बस हमारा यहाँ पे ये कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वैल्यू सभी में क्या होगी, नल होगी, अभी तो कोई वैल्यू है नहीं उसमें, तो वैल्यू नल होगी। तो इस टाइप से हम यहाँ पे नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे चेंज करना है, जो कॉलम है यहाँ पे जो कर रहा है उसमें चेंज करना, नाम चेंज करना, जैसे यहाँ पे नेम लिखा मैं स्टूडेंट नेम करना, क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट, एंटर प्रेस करेंगे, ये चेंज, क्या लिखेंगे, चेंज, पहले ओल्ड कॉलम नेम लिखेंगे, पहले क्या था नेम था,
अब नया देंगे क्या, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे वेयर केयर जो पूरा जो प्रोसेस होता है पूरा देंगे, जैसे 255 दे दिया हमने, ठीक है, बस सेमीकोलन लगा दिया लास्ट में, ठीक है। इससे हमारा यहाँ पे जो ये क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट नेम हो जाएगा, ठीक है। रीडिफाइन भी कर सकते हैं, रीडिफाइन मतलब डेटा टाइप मुझे अगर रीडिफाइन करना है तो सिंपल सा उसका मॉडिफाई हम लोग यूज करेंगे, क्या करेंगे मॉडिफाई। जैसे मैंने लिखा, जैसे ये मान लो आईडी है, आईडी मुझे पॉइंट में लेनी है तो क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट, मैंने अंडर प्रेस किया लिखा मॉडिफाई, क्या लिखेंगे मॉडिफाई लिखा, मॉडिफाई में जो भी कॉलम है आपका, जो पहले से कॉलम है उसको देंगे। जैसे हमें यहाँ आईडी है तो लिखा आईडी, क्या लिख देंगे फ्लॉट लिख दिया हमने, लिख दिया फाइल सेमी कॉलम, ठीक है। पहले क्या था, इंट था ये, हमने क्या कर दिया रीडिफाइन कर दिया इसको, क्या कहते हैं रीडिफाइन। तो ये आपका अल्टर टेबल कमांड यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बचा है लास्ट आपका इस चैप्टर में बचा है ड्रॉप टेबल, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ड्रॉपिंग क्या है, ड्रॉपिंग टेबल, ये क्या करेगा डिलीट टेबल और डेटाबेस, ये डिलीट करेगा टेबल और डेटाबेस में, सिंपल सा है, क्या लिखेंगे ड्रॉप टेबल, टेबल नेम जो है जैसे स्टूडेंट है बस हमारा डिलीट हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम जैसे मान लो स्कूल था, तो ये हो जाएगा। दो कमांड आपको इसमें याद रखनी है बस, इससे हमारी सारा डेटा टेबल और डेटा भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।